नमस्ते बच्चों, श्री स्वामीनारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान का शेष भाग, अध्याय 1 का शेष भाग पढ़ाऊंगी। क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है? तो मैं आपको पढ़ाने जा रही थी कि प्राचीन समय में यात्राएं करने के कारण क्या थे। हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है और उसके भी उप महाद्वीप है। भारत एक उप महाद्वीप पे आता है, तो उसमें दक्षिण एशिया का भाग है हमारा भारत। दक्षिण एशिया के अंदर स्थित है उप महाद्वीप है हमारा भारत। और इसके अलावा उप महाद्वीप में जो अन्य देश भी आते हैं, जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और श्रीलंका, ये सभी दक्षिण एशिया महाद्वीप का भाग है। अब सवाल ये उठता है कि उप महाद्वीप में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा क्यों करते थे, प्राचीन समय में क्यों करते थे यात्राएं, उनका क्या कारण था? तो पहला कारण था काम की तलाश में, काम की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जब अपने क्षेत्र में उन्हें किसी प्रकार कोई कार्य नहीं बचता था तो वो दूसरे स्थान पे और भी संभावना को ढूंढने के लिए निकलते थे और काम की तलाश करते थे अपना आजीवन चलाने के लिए, ठीक है? जीवन निर्वाह करने के लिए काम की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। दूसरा आपके आता है प्राकृतिक आपदा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का दूसरा कारण है प्राकृतिक प्राकृतिक आपदा। अब प्राकृतिक आपदा हो सकती है जैसे कि अकाल है, अकाल, बाढ़। अगर उनके क्षेत्र में अकाल पड़ रहा है या बाढ़ आ रही है या और भूकंप, भूकंप के कारण भी वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाया करते थे। तीसरा आपके आता है व्यापार। व्यापार के उद्देश्य से व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं करते थे। व्यापार करने के लिए जो बहुमूल्य या कीमती चीज वो लेकर आते थे और यहाँ की बहुमूल्य या कीमती चीजों को वो यहाँ बेचकर जाते थे। तो व्यापार करने के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक देश से दूसरे देश पर वे जाया करते थे। चौथा आपके आता है कभी कभी जो राजा महाराजा है, कभी कभी सेनाएं, राजा महाराजा अपनी सेनाओं को भेजते थे किसके उद्देश्य से, उस क्षेत्र को युद्ध करके जीतने के लिए। उस क्षेत्र को युद्ध करके जीत लेंगे तो और अपने राज्य में मिला लेंगे, तो कभी कभी सेनाएं युद्ध के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी, ठीक है? पांचवा आपके आता है धार्मिक गुरुओं। धार्मिक गुरु अपने जो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए धार्मिक गुरु यात्रा करते थे। धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो धार्मिक गुरु होते थे अपने धर्म का शिक्षा या उपदेश को फैलाने के लिए, जैसे कि हमारे भारत में मुस्लिम धर्म आया तब मोहम्मद गोरी के साथ हमारे जो गुरु आए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार या सूफी संत सूफी संप्रदाय को का प्रचार प्रसार किया और अपने धर्म को बढ़ावा दिया, ठीक है? तो वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने और दूसरे जो जिस क्षेत्र में वे जा रहे हो उस क्षेत्र की संस्कृति को जानने के लिए भी यात्राएं करते थे। कुछ लोग दूसरे क्षेत्र को जानने के लिए, जैसे कि कुछ लोग दूसरे क्षेत्र को जानने के लिए भी यात्राएं करते थे, जैसे कि हमारे भारत में सबसे पहले आए थे
पुर्तगाली आए थे, उन सबसे पहले पुर्तगाली में आपके वास्को डी गामा जो 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह में आया था हमारे भारत को जानने के लिए, यहाँ की संपदा को जानने के लिए, व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए थे। डच आए थे, अंग्रेज आए थे, मुस्लिम आए थे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ लोग उनकी संस्कृति को जानने के लिए, उनके जीवन रहन सहन परिवेश को जानने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा किया करते थे, और उसके साथ ही अपने भाषा घर अपनी भाषा और अपने विचारों का प्रसार प्रसार करने के लिए भाषा संस्कृति का आदान प्रदान करने के लिए भी यात्राएं की जाती थी। ठीक है, पहला आपके प्राचीन समय में यात्राओं के क्या कारण थे? पहला काम की तलाश में, दूसरा प्राकृतिक आपदा अकाल बाढ़ और भूकंप के कारण यात्राएं की जाती थी, व्यापार करने के उद्देश्य से यात्राएं की जाती थी, कभी कभी सेना युद्ध के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते थे, वह उस क्षेत्र को जीतते थे। ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, कुछ लोग दूसरे क्षेत्र को जानने के लिए, भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान करने के लिए भी यात्राएं किया करते थे। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? पहले का ये तो मैंने आपको बताया कि पहले के समय में यात्राएं क्यों की जाती थी, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आज के समय में यात्राएं क्यों की जाती हैं? क्या उद्देश्य से आज के समय में यात्राएं करने का क्या उद्देश्य है? लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज के समय में यात्राएं करने का क्या उद्देश्य? लोग यात्राएं क्यों करते हैं? वह लोग उस क्षेत्र की संस्कृति को जानने के लिए और उनकी परंपरा रीति रिवाज को जानने के लिए, वहाँ की भाषा बोली को जानने के लिए यात्राएं करते हैं। आज के लोगों को जानने के आज के प्रश्न उठते हैं, आज के लोग यात्राएं क्यों करते हैं? यात्राएं क्यों करते हैं? एक क्षेत्र की संस्कृति परंपरा रीति रिवाज भाषा आदि को जानने के लिए आज के समय में लोग यात्राएं करते हैं। अब देश के नाम, हमारा जो देश है, हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, क्या ये बता सकते हैं आप? हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? देश का नाम, हमारे देश को प्राचीन समय में आर्यवर्त कहा जाता था। यहाँ के रहने वाले लोगों को वैदिक संस्कृति में आर्यवर्त कहा जाता था और यहाँ के रहने वाले लोगों को आर्य कहा जाता, तो ऐसा क्यों कहा जाता था? और भरत समुदाय के नाम से भी पुकारा जाता था, तो ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि भरत समुदाय पुकारने के लिए कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि हमारे देश का नाम सिंधु नदी होने के कारण हमारे देश में सिंधु नदी है, और सिंधु नदी उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में है, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र से लोग व्यापार करने के उद्देश्य से आते थे। अफगानी, ईरानी, सऊदी अरब से लोग यहाँ पर, अफगानिस्तान से यहाँ पर आते थे, तो उनकी जो भाषा और बोली है, तो वो स को क्या कहते थे? स को है उच्चारण करते थे, से का उच्चारण करते थे, वो हाँ उच्चारण करते थे, तो सिंधु कहते कहते वो हिंदू कहने लगे, हिंदू और हिंदू से वो हिंदू कहने लगे। ठीक है, और हिंदुस्तान नाम रखा। ठीक है, सिंधु के कारण, सिंधु स वो है बोलते थे हिंदू, और हिंदू से हिंदुस्तान नाम रख कहने लगे। और इंडियन भी कहा जाता था। हमारे जो इंडिया शब्द किससे बना है? इंडिया शब्द बना है
इंडिक से बना है। इंडिया शब्द किससे बना है? इंडिक से बना है। संस्कृति में सिंधु को इंडिस कहते हैं और इंडिस से ही हमारा देश का नाम इंडिया रखा गया। और भरत समूह के होने के कारण हमारे देश का नाम भारत रखा गया। सिंधु या इंडस, सिंधु या सिंधुज भी कहा कहते हैं, सिंधु भी कहते हैं। सिंधु से मैंने आपको बताया सहसा है का उच्चारण करते हैं, सिंधु, सिंधु से सिंधु, सिंधु, सिंधु से इंडस कहने लगे। ठीक है, अतीत के बारे में कैसे जाने? अब प्रश्न ये उठता है कि हम अतीत के बारे में कैसे जाने, उसके क्या स्रोत है अतीत को जानने के? अतीत को जानने के स्रोत हमें खुदाई में मिले अभिलेख, ठीक है, उससे जान सकते हैं, और जो तार पत्रों पे लिखे गए, जो इतिहास संस्कृति के बारे में लिखा गया, महाकाव्य लिखे गए और नाटक एकांकिका लिखी गई, उससे हम जान सकते हैं उनकी उस समय की संस्कृति के बारे में। और जो हमारे शास्त्र लिखे गए, ऋग्वेद लिखे गए, उससे भी हम हमारी उस समय की संस्कृति को जान सकते हैं। पांडुलिपियों के बारे में पांडुलिपियों से जान सकते हैं। पांडुलिपि अंग्रेजी शब्द के मैन्युस्क्रिप्ट से बना है। पांडुलिपि पांडु लिपि अंग्रेजी शब्द के मेन्यू स्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट से मेन्यू, और मेन्यू का अर्थ होता है हाथ है, ठीक है। तो पांडुलिपि जो हाथ से लिखी गई, पांडुलिपि का अर्थ क्या होता है? हाथ से लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई, पांडुलिपि का अर्थ होता है हाथ से लिखी हुई। अब पांडुलिपि किससे लिखी जाती थी? अब प्रश्न ये उठता है कि पांडुलिपि किससे लिखी जाती थी? तो एक पेड़ है ताड़, ताड़ के पेड़, ताड़ के पेड़ के जो पत्ते होते थे उसे काटकर, उसे काटकर उससे बराबर उसको धागों में पिरोकर उस पर लिखा जाता था। ताड़ के पत्तों के अलावा एक बुर्ज, बुर्ज नाम का पेड़ है, उसके पत्ते, बुर्ज के पत्ते जिसे हम भोज पत्र भी कहते हैं, बुर्ज के पत्ते पे भी लिखा जाता था, भोज पत्र कहते हैं, ठीक है। पांडुलिपि क्यों, पांडुलिपि में क्या होता था? पांडुलिपि धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों और राजाओं के जीवन की और औषधियों तथा विज्ञान के बारे में हमें पांडुलिपि के से जान सकते हैं, पांडुलिपि से जान सकते हैं। धार्मिक मान्यता थी उनके व्यवहार और उनके राजाओं के जीवन, औषधियाँ, विज्ञान के बारे में इन पांडुलिपियों के अंदर लिखा गया था।
अब ये लिखित स्रोत क्या हो सकते हैं? लिखित स्रोत जो हमें मिले हैं, जैसे पांडुलिपियों का तो यह है कि है ना, कुछ समय के अनुसार कीड़े लग गए, नष्ट हो गई, या कुछ बची हैं तो वो उससे हमें जानकारी मिलती है, कुछ अवशेष बचे हैं तो उससे हमें जानकारी मिलती है, और लिखित स्रोतों में हमें पता चलता है। लिखित स्रोत क्या हो सकते हैं? जो हमारे कवियों ने महाकाव्य लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, नाटक लिखी हैं, तो उससे हमें उन स्रोतों से उस समय की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय की क्या संस्कृति रही है? वो महाकाव्य, नाटक, कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? वो उस समय संस्कृत भाषा में लिखी जाती। कहीं कहीं प्राकृत और तमिल भाषा में भी मिलती है। दक्षिण भारत में आप जाओगे तो वहाँ के लोगों के जो आम लोग हैं उनके बोलचाल की भाषा प्राकृत होती है और तमिल भाषा में लिखी गई है। और हमें अभिलेख जो मिले हैं पत्थर, ईंटों, इमारतों के अवशेषों से, हम वहाँ की उस समय के जो राजा महाराजा हुए हैं, उस समय की जो संस्कृति हुई है, उन्होंने कितने युद्ध जीते, उन्होंने कौन कौन से धार्मिक कार्य किए, उन्होंने उनका वंशानुक्रम क्या था, वो सब हमें उनसे अभिलेखों से पता चलता है। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख होते हैं पत्थर पर अंकित करवाते हैं, जिसमें समय लगता था, लेकिन वह राजा महाराजों के अपने वंशावली नोट करते थे। उन्होंने कौन से युद्ध जीते हैं, कौन से उन्होंने कार्य किए हैं, समाज से संबंधित, धार्मिकता से संबंधित, और ऐसे बहुत सारे अभिलेख हैं। जैसे कि अफगानिस्तान के कंधार से अशोक सम्राट के अभिलेख मिले हैं, जिनकी भाषा अरामाइक थी और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। तो ऐसे पत्थर पर खुदवा राजा महाराजा अपनी जीवनियों को पत्थर पर खुदवा देते, तो हमें वो पत्थरों के अवशेष मिले, उससे हमें उनकी जीवन संस्कृति का पता चलता है। जानवर, चिड़िया और मछलियों की हड्डियों से हमें उस समय की संस्कृतियों का पता चलता है कि लोग पशुपालन करते थे, खेती करते थे, कृषक थे और स्थायी रूप से रहते थे, और उनकी घर और व्यवस्था से हमें पता चलता है कि वो किस प्रकार रहते थे, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे घर भी मिले हैं जो सुनियोजित थे, उसमें पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, उनके दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, नालियां होती थी। तो ऐसी सभ्यताओं का सिंधु सभ्यता में भी बहुत बड़ी सभ्यताएं मिली है, जिसमें घरों को सुनियोजित तरीके से बनाया गया था। अतीत एक नहीं, अनेक है, अनेक प्रकार से हम उसके बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद।